बॉलीवुड की मेड फॉर ईच अदर जोड़ियों का जिक्र हो और ऐसे में अभिषेक ऐश्वर्या का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बॉलीवुड में अभिषेक और ऐश को पावर कपल कहा जाता है। दोनों की शादी को 13 साल पूरे हो चुके हैं। 20 अप्रैल 2007 में दोनों ने एक दूसरे के साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको इनकी शादी का एक ऐसा किस्सा बताएंगे जिसे सुन आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इनकी शादी में एक ऐसा किस्सा हुआ था जहाँ एक लड़की ने इनकी शादी में आके हंगामा खड़ा कर दिया था। ऐसा क्या था वो किस्सा, देखिए इस रिपोर्ट में। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के परिवार में ब्यूटी क्वीन और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का बहू बनकर आना किसी बड़े इवेंट से कम नहीं था। ऐश्वर्या के ब्राइडल लुक से लेकर उनकी वेडिंग ड्रेस और करोड़ों के गहनों की चर्चा कई महीनों तक हुई थी। शादी से जुड़ी एक एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी, लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले अमिताभ बच्चन के घर के बाहर ऐसा हंगामा हुआ था जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। उस हंगामे की आंच अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी तक भी पहुंचती दिख रही थी। हंगामा किया था एक लड़की ने जो बच्चन परिवार की बहू होने का दावा कर रही थी। जानवी कपूर नाम की एक मॉडल ने खुद को अभिषेक बच्चन की बीवी बताया था। जानवी ने पूरी कोशिश की थी कि अभी ऐश की शादी ना हो पाए। 19 अप्रैल की रात मॉडल जानवी कपूर अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर पहुंची थी और अपने हाथ की नस काट ली थी। जानवी ने अभिषेक बच्चन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जानवी ने बड़ा बखेड़ा खड़ा करते हुए बताया था कि उसके और अभिषेक के बीच नजदीकियां फिल्म 10 की शूटिंग के दौरान बढ़ी थी। मॉडल जानवी ने यह भी आरोप लगाया था कि अभिषेक ने कुछ दोस्तों के सामने उसके साथ शादी की थी। हंगामा देखते ही देखते इतना बढ़ गया था कि हर कोई हैरान रह गया था। मीडिया के सामने भी मॉडल जानवी ने जमकर तमाशा किया था। हालांकि ये तमाशा महज पब्लिसिटी स्टंट ही साबित हुआ था, क्योंकि पुलिस ने जब जानवी से उस शादी के सबूत मांगे जिसका वो दावा कर रही थी, तब अपने दावे को साबित करने में वो नाकाम साबित हुई थी। जानवी सिर्फ यही कहती रही कि वो अभिषेक से प्यार करती हैं और प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। इस पूरे घटनाक्रम में सनसनीखेज मोड़ तब आया था जब जानवी ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन यही नाटक मॉडल जानवी के लिए मुसीबत भी ले आया था। पुलिस ने आत्महत्या करने के इल्जाम में जानवी कपूर को गिरफ्तार कर लिया था। मुश्किल भरी रात बीती तो अगली सुबह बच्चन परिवार में खुशियों की बारात लाई थी। बड़ी धूमधाम के साथ अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा से अभिषेक की बारात निकली थी। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी बिग बी के दूसरे बंगले प्रतीक्षा में हुई थी। इस शादी में गिने चुने मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया था। फिर भी अभी ऐश की शादी साल की सबसे बड़ी शादी साबित हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।